एयर इंडिया की मुंबई तो न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में बॉम्ब नाल उड़ान की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर करवाई गई एमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों के क्रू मैंबर्स ने सुरक्षित फ्लाइट चो उतारे। चंडीगढ़ एसकेएम आरटी एसोसिएशन और शेलर मालका की मीटिंग जारी, अगली रणनीति को लेकर की जा रही चर्चा, झोने के खरीद प्रबंधा तो ने असंतुष्ट। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करके सब तो पहला गल करांगे बाबा सिद्दकी कतलकांड की। हालांकि इस पूरे ही कतलकांड छे मुलजमान चो तीन पुलिस ऑलरेडी काबू कर चुकी है। सिद्दकी कतलकांड के मुलजम हुण यासीन लैके वड्डा खुलासा पुलिस के वालों किया गया कि लॉरेंस के भरा अनमोल बिश्नोई के नाल सीधे संपर्क रहिंदा सी यासीन। विशेष ऐप के जरिए अनमोल के नाल गलबात इसके वालों की जाती थी। गैंगस्टर सौरभ महाकाल के लिए भी कई बार यासीन के घर रुक गया है। नकोदर के पिंड शंकर छह यासीन का घर मुलजम है। लॉरेंस का बेहद ही करीबी है। गैंगस्टर सौरभ महाकाल यासीन अख्तर के कतल और लुट जिहे कई परचे इसके दर्ज है। सज्जे पासे तस्वीर तुम देख पा रहे हो, आ मुलजम है यासीन अख्तर, जो कि सिद्दकी कतलकांड भी इसका जो नाम है सामने आया है। हुण पुलिस ने इस लैके कई वड्डे खुलासे किए ने। लॉरेंस के भरा अनमोल बिश्नोई नाल सीधे संपर्क च रहिंदा सी यासीन। हालांकि जे असीं जिक्र करिए ते कल ही जो सिद्दकी कतलकांड सी उसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के वालों एक पोस्ट के जरिए पाके लई गई सी। गैंगस्टर सौरभ महाकाल दे लई कई बार यासीन दे घर रुकिया है। नकोदर दे पिंड शंकर दा रहन वाला है। तस्वीर तुसी देख पा रहे हो तमाम तस्वीर। हालांकि तीन मुलजम जो ने पुलिस दे वालों गिरफ्तार कर ले गए ने। हालांकि तीन दी पहचान पुलिस दे वालों कर ली गई है, पर इस दे विचाले छापेमारी थां थां की जा रही है ताकि छेती तो छेती इन्हां मुलजमान नूं काबू किया जा सके। इस दे विचाले धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह जो कि हरियाणा दे कैथल दे नाल संबंधित है, उस नूं पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अते प्रवीण लोनकर भी पुणे तो गिरफ्तार किया गया सी। हालांकि तीन दी पाल लगातार पुलिस दे वालों की जा रही है। यासीन अख्तर जिसकी तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो पटियाला तो ही आ रहा होया सी बेल ते, उस तो बाद मुंबई आ चला गया सी ते रेकी इस दे वालों की गई सी। हालांकि तमाम लॉजिस्टिक्स भी इस दे वालों प्रोवाइड जो है शूटरां नूं करवाए गए सी। पल पल दी अपडेट जो है इंस्ट्रक्शंस इस दे वालों ही तमाम शूटर्स नूं दित्तियां जा रहियां सी। ते आसिम अख्तर, शिवा प्रसाद गौतम ते शुभम लोनकर दी पुलिस को लगातार तलाश है। थां थां ते पुलिस दे वालों छापेमारी की जा रही है। जिक्रयोग है कि शनिवार नूं ही इन्हां तमाम शूटरां दे वालों इस पूरे कतलकांड नूं अंजाम दिता गया सी। बाबा सिद्दकी कतलकांड दे मुलजम दे घर पहुंचिया है न्यूज 18। यासीन अख्तर दे घर ते ताला लटकता होया देखा गया। यासीन दा पिता अते भरा घरों लापता, मां अते एक भैन दी पहला ही मौत हो चुकी है। नकोदर दे पिंड शंकर दा रहन वाला है यासीन अख्तर। 7 जून नूं पटियाला जेल तो आ बाहर आया सी ते 2022 च जलंधर पुलिस ने कतल केस च इसनूं गिरफ्तार कीता सी। जलंधर च ही लॉरेंस बिश्नोई दे गुड़िया दे संपर्क च आया सी यासीन। तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो, यासीन ते शूटरां नूं नक्शा दे के मदद करन दा इल्जाम लगे है। यासीन बारों शूटरां नूं डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस इस दे वल्लों दित्तियां जा रहियां सी। जदों कि सिद्दकी नूं गोली मारी गई सी उदों भी यासीन अख्तर शूटरां नूं सिद्दकी दी लोकेशन बारे जानकारी दे रहा सी। इस तों इलावा जे असीं गल करिए ते अख्तर ने उन्हां लई इक कमरा किराए ते बुक भी करवाया गया सी। इस दे विचाले हुण तक तीन मुलजमां नूं गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। तीन दी भाल लगातार जारी। मर्डर केस विच चौथा आरोपी असी उहदे घर दे बाहर मौजूद है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि घर दे बाहर जिहड़ा कि है ताला लगा होया वै। मैं कैमरामैन कहूंगा कि अगे आके दिखावे कि इह उही घर है जिथे उह रहिंदा हैगा वै ते उहदे फादर ते उहदा ब्रदर पिछले 15 दिन तो इत्थों फरार होए पए आ, क्योंकि पिंड वासियां दा कहना है कि पिछले 15 दिनां तो इत्थे उह बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। तुहानूं दस दईए कि इह जशीन अख्तर दा घर है जो कि 10वीं तक पढ़िया होया वै ते उस तों बाद पिंड विच उहदे बापू दी किसी नाल लड़ाई हुंदी है ते उस तों बाद क्राइम की दुनिया में वह कदम रखता है। तो उस तो बाद किस तरह लॉरेंस गैंग नाल मिलता है तो हूँ एक वड्डे मर्डर केस में उसका नाम भी आया हुआ है। पिंड के लोग भी साढ़े नाल मौजूद है, गलबात करांगे क्योंकि जशीन का नाम एक वड्डे मर्डर केस है। किस तरह यह पूरे क्राइम की दुनिया च पहुंचा है वह, तो किवें तुहानूं पता लगा इस बारे हजे तक?
ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹਣੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਹੋਈ ਗਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਘਰ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਟੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇ ਹੈ अगे वधन ते गल करांगे बीजेपी दे साबका सांसद हरनाथ सिंह यादव दी जिन्हां ने सलमान खान नूं सलाह दित्ती है कि काले हिरन दे शिकार दे लई बिश्नोई समाज तो माफी मंगण दी नसीहत बीजेपी आगू दे वल्लों दित्ती गई है ते इस दे विचाले हरनाथ सिंह ने कहा कि काले हिरन नूं बिश्नोई समाज देवते वांग पूजता है तुसीं उसदा शिकार करके उसनूं पक्का के खा लिया तुहाडे इस काम करके बिश्नोई समाज गुस्से च है तुहानूं बिश्नोई समाज तो मुआफी मंगनी चाहीदी है बीजेपी दे साबका सांसद ने हरनाथ सिंह यादव जिन्होंने सलमान खान नूं सलाह दित्ती है कि काले हिरन दे शिकार दे लई बिश्नोई समाज तो जो सलमान खान ने ओ मुआफी मंगन क्योंकि काले हिरन नूं बिश्नोई समाज देवता दे वांग पूछता है तुसीं उसदा शिकार करके उसनूं पका के खा लिया तुहाडे इस काम करके बिश्नोई समाज गुस्से च है हरनाथ सिंह दे वल्लों एक्स ते लिखा गया है कि प्यारे सलमान खान काला हिरन जिस नूं बिश्नोई समाज देवता मनदा है उसकी पूजा करदा है उसका तुसीं शिकार किया ते पका के खा लिया जिस कारण बिश्नोई समाज दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है ते तुहाडे प्रति बिश्नोई समाज विच लंबे समय तों रोस है गुस्सा है व्यक्ति तो गलतियां हो जांदियां ने तुसीं इक वड्डे अभिनेता हो देश च वड्डी गिनती च लोक तुहानूं प्यार करदे हन मेरी तुहानूं सुहिरद सलाह है कि तुसीं बिश्नोई भाईचारे दीआं भावनावां दा सत्कार करदे हो अपनी वड्डी गलती लई बिश्नोई भाईचारे तो मुआफी मंगनी चाहिए टैक्स ते लिखा है हरनाथ सिंह यादव साबका बीजेपी आगू बड़ी खबर असं जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के वालों पंचायत चोणा टालन की मांग की गई है चोणा 3 हफ्ते मुलतवी करन की जो डिमांड है मांग है कांग्रेस की वफद के वालों की गई हाल ही कुछ देर पहला ही मुलाकात जो है कांग्रेसी डेलीगेशन के वालों की गई थी स्टेट इलेक्शन कमिशन ते कांग्रेस ने पंचायत चोणा च फर्जीवाड़े के बड़े इल्जाम लगाए ने कि धोखाधड़ी हो रही है फॉर्जरी हो रही है इस करके जो चोणा ने वह मुलतवी कीतियां जानियां चाहिदियां ने पंजाब चोन कमिशन तो इस बाबत जो मांग है कांग्रेसी डेलीगेशन दे वलों कांग्रेसी वफद दे वलों कीती गई है जिक्र जो है कि कल 15 तरीक है 15 अक्टूबर ने ते सारे ही पंजाब च पंचायती चोणा होनियां ने 8 बजे तो लैके 4 बजे तक वोटा पैनगियां ते कल ही गिनती भी है ते इसे विचाले अज एग्जैक्टली वोटा तो पहले वोटिंग तो पहला जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वफद है स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल मुलाकात उन्होंने वालों की गई है ते पंचायती चोणा टालन की मांग की गई है कि मुलतवियां कीतियां जान चोणा 3 हफ्ते मुलतवी करन की जो मांग है कांग्रेसी डेलीगेशन दे वालों की गई है कांग्रेस ने पंचायती चोणा च फर्जीवाड़े दे इल्जाम लगाए ने धोखाधड़ी दे इल्जाम लगाए ने हालांकि इस तो पहला भी कई बार जो कांग्रेसी वफद स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल मुलाकात उस दे वालों की जा चुकी है कि जो नॉमिनेशन पेपर सी कैंडीडेट्स दे वो रद्द किए गए हालांकि इलेक्शन सिंबल भी कैंडीडेट्स को प्रोवाइड कर दिया गया उस तो बाद भी जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स ने तमाम कैंडीडेट्स से उसको कैंसल किया गया रद्द किया गया नॉमिनेशन पेपर्स फाड़ के सुट दिए गए ते हुण एक अहम ते वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं कांग्रेसी वफद हाल ही स्टेट इलेक्शन कमीशन नूं मिलिया है ते मांग उन्हां दे वल्लों कीती गई है कि धोखाधड़ी इन्हां तमाम इलेक्शंस कीती जा रही है फर्जीवाड़े दे जो इल्जाम ने वो लगाए जा रहे हैं इन्हां पंचायती चोणां नूं 3 हफ्ते मुलतवी किया जाए यानी कि 3 हफ्ते जो चोणां ने वह अग्गियां पाईआं जाण पंजाब चोण कमीशन तो इस बाबत मांग जो है कांग्रेसी डेलीगेशन दे वल्लों की गई है इस तो पहला भी कई बार जो LOP दे लीडर ने उन्हां दी अगवाई च कांग्रेसी डेलीगेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल मुलाकात कर चुके हैं हालांकि उस टाइम भी धोखाधड़ी दे इल्जाम इन्हां दे वल्लों लगाए गए थे कि चुल्ला टैक्स उन्हां नूं प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है समय सिर NOCs नहीं दित्तियां जा रही कोई भी BDPO अपने दफ्तर च मौजूद नहीं है ते काफी खज्जल खुआई दा सामना है साडे कैंडीडेट्स नूं करना पै रहा है जिस चलते हाल ही च असीं वेख्या सी कि गिद्दड़बाज किस तरीके दे नाल जो पंजाब कांग्रेस दे प्रधान ने उन्हां दे वल्लों बठिंडा मलोट हाईवे ही
जाम कर दिता सी। हालांकि SSP दफ्तर का किराया भी उन्होंने वालों किया गया सी, धरना उत्थे भी लगाया गया सी। आ पूरा मामला जो है उस तो बाद स्टेट इलेक्शन के वालों गिद्दड़ बहा दियां 24 पंचायतों दियां चोणां रद्द कर दित्तियां गईयां सी। हालांकि नवी इलेक्शन डेट उन्हां तमाम 24 जो चोणां पंचायती चोणां जिथे रद्द कीतियां गईयां उत्थे दुबारा तो नवा इलेक्शन डेट का ऐलान जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के वालों किया जाएगा। जे असीं जिक्र करिए तो अज भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 700 तो वध पटीशन जो दाखिल कीतियां गईयां ने उस बाबत सुनवाई जो है लगातार जारी है। इस तो पहला जे असीं जिक्र करिए तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों भी इस तो पहला भी 270 पटीशन तो जो कि दाखिल कीतियां गईयां सी पंचायती चोणां नूं लैके उन्हां तमाम पिंडां च पंचायतां च जो है रोक लगा दी गई सी। हालांकि इस पूरे मामले जो सुनवाई है वह 16 अक्टूबर नूं पाई सी पर पंजाब दे एजी दे वलों डिमांड की गई सी कि 15 तरीक नूं पंचायती चोणां तमाम पंजाब च होईयां ने जिस दे चलदे इस पूरे मामले की सुनवाई अज की जाए यानी कि 14 अक्टूबर नूं की जाए। तो उस तो बाद होर नवीं पटीशन यानी कि 700 तो वध पटीशन ते सुनवाई लगातार जारी है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच। इसे विचाले कदी भी फैसला उसनू लेके भी आ सकता है क्योंकि कल पंजाब च पंचायती चोणां होण जा रही ने ते इस तो पहला सब दियां नजरां टिकियां हुई ने कि 700 पटीशनां नू लेके की कुछ जो फैसला है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वलों सुनाया जाता है। तो हुण एक अहम ते वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं कांग्रेसी डेलीगेशन के वालों हाल ही मुलाकात की गई तमाम तस्वीर LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा तस्वीर च नजर आ रहे हैं। डिमांड की गई है कि पंचायती चोणां 3 हफ्ते लई मुलतवी कीतियां जा। तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरवीन की है, स्टे कर दिया इलेक्शंस। चंद आपने गिद्दड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है जैसे धांधली हुई है, खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है, उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है इसको पोस्टपोन कर दी। हम कैंसिलेशन पंचायत की इलेक्शंस की कैंसिलेशन नहीं मांग रहे, हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते का। तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरवीन की है, स्टे कर दिया इलेक्शंस। चंद आपने गिद्दड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है जैसे धांधली हुई है, खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है, उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है इसको पोस्टपोन कर दी। हम कैंसिलेशन पंचायत की इलेक्शंस की कैंसिलेशन नहीं मांग रहे, हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते। ते LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा दे वलो वड्डे बयान वड्डी स्टेटमेंट उन्होंने वालों दी गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन उन्होंने वालों मांग की गई कि पंचायती चोणां कैंसलेशन की मांग उन्होंने वालों नहीं की गई बल्कि कहा गया है कि 3 हफ्ते लई इन्हां नूं पोस्टपोन किया जाए यानी कि जो समा है 3 हफ्ते बाद दा नवा समा दिता जाए क्योंकि धोखाधड़ी के इल्जाम कितना कितने कांग्रेसी पार्टी के वालों लगाए जा रहे हैं। इस दे चलते जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाल मुलाकात की गई। हालांकि गिद्दड़बाहा ब्लॉक का भी जिक्र करते हुए LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा नजर आए कि जो इस तमाम मुद्दे ते नजर रखते हुए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन दे वलो आ तमाम 24 पंचायतां जो गिद्दड़बाहा ब्लॉक नाल संबंधित सी उत्थे चुनाव होने ते स्टे लगा दित्ती सी। तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरवीन की है, स्टे कर दिया इलेक्शंस। चंद आपने गिद्दड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है जैसे धांधली हुई है, खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है, उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है इसको पोस्टपोन कर दी। हम कैंसिलेशन पंचायत की इलेक्शंस की कैंसिलेशन नहीं मांग रहे, हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते का। ते मेरा मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। पंकज, कांग्रेसी वफद दे वालों स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल मुलाकात की गई है, नाल ही कहा गया है कि जो पंचायती चोणां ने 3 हफ्ते लई मुलतवी कीतियां जान कि इस टाइम ते एग्जैक्टली पहला कल जो है पंचायती चोणां ने, इस बाबत कोई वड्डा फैसला स्टेट इलेक्शन कमीशन हुण इस टाइम ते ले सकदा है? देखो, मुश्किल होगी जदों हुण 24 घंटे तो भी घटदा समा बचा है कि इलेक्शन कमीशन चोणां जिहड़ियां पोस्टपोन करे। ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
शिकायत जिहड़ी है वो कांग्रेस दे वल्लों कीती गई और यह मांग कीती गई कि कई थावां ते स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी है वो धांधली करवा रही है, इस तरीके दे इल्जाम लगाए गए और यह कहा गया कि कुछ बैलेट पेपर भी फर्जी तैयार किए जा रहे हैं और इस करके चोणां जिहड़ियां तीन हफ्ते लई पोस्टपोन करनियां चाहीदियां, मांग जिहड़ी इलैक्शन कमीशन नूं कीती। और जदों इस तरीके दीआं चोणां हुंदीआं ने अमूमन तमाम सियासी पार्टियां इस तरीके की शिकायत और बहुत सारिया मंगा जड़िया ने इलेक्शन कमीशन नु करदियां ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि पूरी अपनी तैयारी कसी हुई है और दूजे पासे क्योंकि पूरा एक जड़ा प्रोसेस हुंदा वा जिस दे विच सिक्योरिटी तो लैके पुलिस तो लैके तमाम इंतजाम करने हुंदे ने वो इलेक्शन कमीशन ने किते हुंदे ने, तां जिहे च लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जिहा कोई फैसला लै सकदा है कि सारी थावां दे उत्ते चोण जिहड़ी है पोस्टपोन कर दित्ती जावे। हालांकि कई जिवें असीं गिदड़वाहा देखिया सी इलेक्शन कमीशन ने स्टे लगाई सी या फिर हाई कोर्ट दे वल्लों कई थावां दे उत्ते स्टे जिहड़ी है वो लगाएगी, इस तरीके दीआं चीज़ां जरूर हुंदीआं ने, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन नूं रोकना या पोस्टपोन करना ये इलेक्शन कमीशन दे लई वी इक वड्डा चैलेंज हुंदा है, तां इस करके ये मसले दे उत्ते हुण कांग्रेस दे वल्लों शिकायत जरूर कीती गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन दे वल्लों अजे कोई स्टेटमेंट जिहड़ी है नहीं आई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, सानूं तमाम जानकारी देने लई, सानूं जगतार संगेड़ा जुड़े ने आम आदमी पार्टी सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। कांग्रेसी वफद दे वल्लों स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल मुलाकात की गई है, डिमांड की गई है कि जो पंचायती चोणां कल होणियां ने उन्हां नूं तीन हफ्तिआं लई मुलतवी किया जाए। संगेड़ा जी तुसीं मैनूं सुन पा रहे हो? तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो LOP लीडर जो ने प्रताप सिंह बाजवा तस्वीरां च नज़र आ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन दे दफ्तर चो बाहर निकले ने, मुलाकात उन्हां दे वल्लों की गई है। हालांकि डिमांड एक ही की गई है कि जो पंचायती चोणां कल होणियां ने उन्हां नूं मुलतवी किया जाए, तीन हफ्ते अगे उन्हां दा समा जो है वह पाया जाए। कल पूरे ही पंजाब च पंचायती चोणां होण जा रहियां ने ते देखना होएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन दे वल्लों इस बाबत जो है की फैसला लिया जाता है, क्योंकि वड्डे पद्धर ते दो चारियां ने स्टेट इलेक्शन कमीशन दे वल्लों विध दित्तियां गईयां ने, पुलिस दे वल्लों सिक्योरिटी दे पुख्ता इंतजाम किए गए ने, जिस दे चलदे थां थां ते दस दिए कि सुरक्षा जो है करड़ी कर दित्ती गई है। जे असीं गल करिए ते पंजाब पुलिस दे तमाम मुलाजमां दीआं छुट्टियां भी इस बाबत रद्द कीतियां गईयां सी ते कल भी सरकारी छुट्टी दा जो ऐलान है पंजाब सरकार दे वल्लों कीता गया सी, तां जो बड़े ही सुखावें तरीके दे नाल पंचायती चोणां नेपरे चढ़ाईयां जा सकन। ते हुण तमाम तस्वीरां ने कुछ देर पहला दीआं जदों कि LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा की अगवाई च कांग्रेसी वफद ने स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल मुलाकात की है ते मंग उन्हां दे वल्लों की गई है कि तीन हफ्ते लई चोणां मुलतवीआं कीतीआं जाण। कांग्रेस ने पंचायती चोणां च फर्जीवाड़े दे धोखाधड़ी दे फॉर्जरी दे इल्जाम जो ने लगाए गए ने कि इस दे विचाले जो तमाम साडे नाल रिलेटिड कैंडीडेट सी उन्हां दे परचे ने ओह रद्द कीते गए ने, नामजदगियां दे परचे पाड़े गए ने, समय सिर उन्हां नूं NOCs प्रोवाइड नहीं करवाए गए ते धोखाधड़ी वड्डे पद्धर ते हुई है, जिस नूं लै के हुण आ मुलाकात की गई है कांग्रेसी डेलीगेशन दे। ते कल पूरे ही पंजाब च पंचायती चोणां होण जा रहीआं ने, सवेरे 8 बजे तो लैके 4 बजे तक वोटां पैणगियां। ते साडे नाल सुखविंदर कोटली पैश ने कांग्रेसी आगू सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। कांग्रेस दे वफद दे वल्लों डेलीगेशन ने मुलाकात की है स्टेट इलेक्शन कमीशन दे नाल ते मंग की है सर तुहाडे वल्लों कि अज पंचायती चोणां ने तीन हफ्ते लई मुलतवी कीतियां जाण, की तुहानूं लगता है कि 24 घंटे तो भी घट दा समां रह गया है, इस टाइम ते आ फैसला लिया जा सकता है? देखो जिस तरीके दे नाल मानजोग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया थी कि पंजाब के अंदर धांधलियां हुई और 250 तो वध करीब 300 के करीब पंचायतों की चोण लगाते करवाते रोक लगवाई और जिस तरीके दे नाल हर ब्लॉक के अंदर धरने प्रदर्शन मुजहरे करके लोगों ने इस गल का इजहार किया कि साढ़े पेपर सबमिट नहीं कराए, साढ़े जान बुझ के पेपर रिजेक्ट कर दिते और इस मामले नूं लैके अज भी मानयोग हाई कोर्ट के अंदर करीब 700 तो वध पटीशन की सुनवाई जी वो हो रही हैगी है। सो इस करके अज कांग्रेस ने बहुत वड्डा इनिशिएटिव लिया कि वो इलेक्शन कमीशन नूं पंजाब के अंदर हो रही धांधली पंजाब से हो रही धक्केशाही के खिलाफ जिहड़ा है वो मानयोग इलेक्शन कमीशन नूं सुचेत करन। उन्होंने पंजाब की मानयोग बाजवा साहब ने पूरे पंजाब की स्थिति इलेक्शन कमीशन के सामने रखा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कितने धक्के दे नाल लोगों के कागज रद्द करवा के चोणां जितना चाहती सी वो मानयोग हाई कोर्ट ने उन्होंने उत्ते रोक लगाई और उस तो बाद भी एक फैसला होर आया, अज भी 700 तो वध पटीशनां दे उत्ते जिहड़ी है वो मानयोग हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਐਂਡ ਫੇਰ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸਰਪੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਨੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸੰਗੇੜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੌਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਈ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੁਣ ਢੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 300-350 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਢੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ
19 साल वाला जिदी मिसाल दे रहे एप्लीकेशन हाई कोर्ट च एक्सेप्ट भी नहीं होनी जिथे जान बुझ के रद्द किए गए जिथे उन्होंने एनओसी नहीं मिली जिथे उन्होंने नॉमीनेशन शरे आम मैं तुहाडे चैनल ते कहना चाहना कि लोगों के नॉमीनेशन लए नहीं और उन्होंने फाइलों पाड़ के सड़कों के उत्ते खिलारियां वो लोग गए ने हाई कोर्ट के विच इस करके जो असी डिमांड कर रहे हैं असी इलेक्शन रद्द करने नहीं कह रहे असी तो कह रहे हैं कि जिहड़ा भी किते को कमी पेशी आई है उहदे अंदर सारियां नूं मौका दिता जावे जे मानयोग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਜੀ ਕੋਟਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਸੰਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਸੰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਸਰਪੰਚੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਸੰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸੂਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸੋਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਆ ਉਹ ਆਭਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਗਿਆਨ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਤਾਰ ਸੰਗੇੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरवीन की है स्टे कर दिया इलेक्शंस। चंद आपने गिदड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है जैसे धांधली हुई है खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए यह सारा इलेक्शन प्रोसेस जो इसको पोस्टपोन कर दीजिए। हम कैंसलेशन पंचायत की इलेक्शंस की कैंसलेशन नहीं मांग रहे हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते का। तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरवीन की है स्टे कर दिया इलेक्शंस। चंद आपने गिदड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है जैसे धांधली हुई है खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए यह सारा इलेक्शन प्रोसेस जो इसको पोस्टपोन कर दीजिए। हम कैंसलेशन पंचायत की इलेक्शंस की कैंसलेशन नहीं मांग रहे हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ
होनी है पंचायती दे लई वोटिंग ते कल ही नतीजे जो ने ऐलाने जाणगे सवेरे 8 बजे तो लेके 4 बजे तक वोटिंग है ते कल ही दे दिन शाम नू नतीजे इस बाबत ऐलाने जाणगे स्टेट इलेक्शन कमीशन दे वलो हालांकि इस नू लेके पूरी जो तैयारियां ने ओ पूरियां कर लई गईयां ने ते इस विचाले 700 पटिशनां ते सुनवाई लगातार जारी है। इस तो पहला 270 पटिशनां दा निपटारा करदे होए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वलो 270 पंचायतां ते जिथे चोण होणियां सी उत्थे स्टे लगा दित्ता सी। हालांकि इस पूरे मामले दी सुनवाई 16 अक्टूबर नूं होणी है ते इस दे चलदे 700 होर नवीआं पटिशनां जो ने ओह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च पाईआं गईआं। हालांकि नॉमीनेशन पेपर्स रद्द किए गए ने फाड़े गए ने इलेक्शन सिंबल मिलन तो बावजूद भी उन्होंने नॉमीनेशन रद्द किए गए ने तमाम पटिशनां दा निपटारा जो है अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों कीता जाएगा। अगे वधन ते गल करांगे हरियाणा दी। हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया दे वलों अस्तीफे दी पेशकश कीती गई है। वड्डी खबर दा जिक्र करें हरियाणा चोणां च हार तो बाद अस्तीफे दी पेशकश कीती गई है। चोणां च हार दी जिम्मेवारी लेंदे होए आज जो पेशकश है दीपक बाबरिया दे वलों कीती गई है। हालांकि चोणां दे दौरान बीमार होण करके ओह प्रचार च एक्टिव नहीं सन ते इस विचाले हस्पताल च ओह भर्ती सन जेरे इलाज। हरियाणा चोणां च हार तो बाद अस्तीफे दी पेशकश जो है हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया दे वलों की गई है। जिक्र योग्य कि हाल ही हरियाणा विधानसभा असेंबली दे नतीजे ऐलाने गए थे जिस विचाले 37 सीटा ही जो कांग्रेस पार्टी दे खाते च पईआं सी 37 सीटा ही जितन च कामयाब हुई सी। हालांकि जे असीं बीजेपी दा जिक्र करिए ते तीजी बार हैट्रिक जो है बीजेपी दे वलों लगाई गई सी। 48 सीटा अपने खाते च पईआं गईआं सी 57 साल च पहली बार होया है जदों किसी पार्टी दे वलों सूबे च तीजी बार सरकार बनाई जा रही होए। ते सब दे विचाले हुण कांग्रेस इंचार्ज हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया ने अस्तीफे दी पेशकश कीती है। चोणां च हार दी जिम्मेवारी लैंदे होए उन्हां दे वलों आ फैसला कीता गया है ते कहा गया है कि उन्हां दा जो इस्तीफा है उसनूं स्वीकारिया जाए। मेरा मेरे सहयोगी नीरज कुमार फोन लाइन ते मौजूद ने। नीरज, हरियाणा चुनाव की हार के नतीजों की जिम्मेवारी लेते हुए दीपक बाबरिया की तरफ से इस्तीफे की पेशकश? देखिए बिल्कुल, दीपक बाबरिया जो कि प्रभारी महासचिव हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक तरह से व्हाट्सएप पे उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और पार्टी नेतृत्व से कहा है कि उनकी जगह किसी को रिप्लेस किया जाए और वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं हरियाणा में हार की। दूसरी अहम जानकारी आपको दे दे कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है दीपक बाबरिया की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जाए और जो भी आरोप लगाए गए हैं दीपक बाबरिया पे हरियाणा कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग गुट के नेताओं की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, उसका जवाब भी उनकी तरफ से आ सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि दीपक बाबरिया ने हरियाणा हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी नेतृत्व से कहा है कि उन्हें बदला जाए, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमें तमाम जानकारी देने ते हार दी जिम्मेवारी लेंदे हुए आप पेशकश जो है हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया दे वलो कीती गई है। उन देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान दे वलो की कुछ फैसला इस बाबत लिया जाता है। दिवाली तो पहला दिल्ली च पटाकियां ते पाबंदी लगा दी गई है। दस के नवे साल तक पटाकियां ते पूर्ण तौर ते पाबंदी लगाई गई, यानी कि कंप्लीट बैन लगाया गया है। 1 जनवरी 2025 तक पटाके वेचन ते बनाउण दी मनाही भी लगी है। उल्लंघना करन वालियां ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी दे वलों नोटिफिकेशन इस बाबत जारी किया गया है। पटाके वेचन बनाउण ते स्टोर करन दी मनाही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे राही ही डिलीवरी करन ते भी जो बैन है वो दिल्ली गवर्नमेंट दे वलों दिल्ली प्रशासन दे वलों लगाया गया है। दिवाली तो पहला दिल्ली च पटाकियां नूं लैके एक वड्डा जो है वो कह सकने कि ऐसी फैसला दिल्ली प्रशासन दे वलों लिया गया है। नवे साल तक पटाकियां ते पूर्ण तौर ते पाबंदी, यानी कि कंप्लीट बैन लगाया गया है। दिल्ली च ग्रीन पटाके भी नहीं बजाए जा सकेंगे क्योंकि पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी दे वलों नोटिफिकेशन जारी करके इस बाबत जो है फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है। पटाके बेचे भी नहीं जा सकते, बनाए भी नहीं जा सकते, स्टोर भी नहीं किए जा सकते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के राही भी डिलीवरी करने ते जो मनाही है वो दिल्ली प्रशासन दे वलों पूर्ण तौर पर लगा दिया गया है।
दिवाली तो पहला दिल्ली च पटाकिया ते पाबंदी लगा दी गई है। नवे साल तक यानी कि न्यू ईयर तक पटाकिया ते पूर्ण तौर ते पाबंदी है। मेरे नाम मेरे सहयोगी जावेद मंसूर फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। जावेद, ये पोल्यूशन को लेके हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बैन दिल्ली में पटाखों को लेके? आप बिल्कुल देखिए, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही इस तरह के बैन लगाए जाते हैं। पिछले साल की तरह भी इस बार भी आज से 1 जनवरी तक सभी तरह की जो पटाखे हैं उन पर बैन रहेगा। उनको खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, उनको जला नहीं सकते, उनका स्टोरेज नहीं कर सकते। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से आज इसका औपचारिक निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने मौखिक रूप से ये कहा था कि दिल्ली में पटाखे बैन किए जाएंगे, तो आज उसकी समय सीमा आ गई है, आज से 1 जनवरी तक बैन रहेंगे। इस बीच जितने भी फेस्टिव सीजन रहेंगे उस वक्त भी पटाखे नहीं जल पाएंगे, पाबंदी पटाखों के जलने पर रहेगी। जी, और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उल्लंघना के खिलाफ? देखिए, अगर कोई उल्लंघन इसका करता है तो इस पर उचित धाराओं में एक्शन लिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है DPCC की तरफ से, उसने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को लिखा है कि वो इस तरह के जो पटाखे जलाए जाने के साइट्स होंगी वहां वो एक्शन ले, तो उचित धाराओं में इस पर एक्शन लिया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमें तमाम जानकारी देने। नवे साल तक दिल्ली च पटाखे बजाने पूर्ण तौर पर कंप्लीट बैन जो है प्रशासन के वालों जो है लगा दिया गया। अगे वधंगते गल करांगे किसानों की झोने की खरीद को लेकर। किसानों की मीटिंग लगातार जारी है। SKM आटिया ते राइस मिलर की आ मीटिंग हो रही है, चर्चा की जा रही है। अगली रणनीति को लेकर, अगली स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा हो रही है। चंडीगढ़ के किसान भवन च बैठक की जा रही है। दरअसल झोने की खरीद से लिफ्टिंग न होने करके जो है दिक्कत किसानों को आ रही है, जिसके चलते कल भी 3 घंटे लिए किसान के वालों रेलवे ट्रैक रोके गए थी ते सड़क आवाजाई भी रोकी गई थी। मंडिया च लिफ्टिंग न होने कारण जो है नवा झोना मंडिया तक नहीं पहुंच रहा, जिसको लेके आज रोस है कल भी किसान दे वालों जताया गया सी। आज भी बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई च तमाम मीटिंग हो रही है किसान भवन चंडीगढ़ च, जिथे की आज अगली जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो किसान आगुआ दे वालों उली की जाएगी। झोने की खरीद को लेकर किसानों की मीटिंग लगातार जारी है। तमाम तस्वीर सामने आई ने चंडीगढ़ किसान भवन की, आ तमाम तस्वीर ने जिथे की वक्त जथेबंदियों के जो किसान आगू ने बैठे हुए ने, SKM के जो ने बलबीर सिंह राजेवाल वो भी देखे जा सकते हैं। चर्चा की जा रही है कि किस तरीके के नाल जो अगली रणनीति है इन्हों की रहेगी, क्योंकि कल जो है 3 घंटे लिए चक्का जाम किया गया सी, रेलवे ट्रैक रोके गए सी ते सड़क आवाजाई भी ठप की गई सी। मेरा मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। नपिंदर, की कुछ चर्चा मंथन इस मीटिंग किया जा रहा है, क्योंकि कल असं वे पद्धर से देखा सी कि हालांकि जो सड़क आवाजाई तो रोकी गई सी पर जो आम पब्लिक है उसका गुस्सा भी काफी हद तक फुटिया। देखो, आवाजाई जी ठप कर दी गई थी, पर जेड़े लेके आवाजी आड़तीए ते शलर मालक दिते आने, क्योंकि कल वाले प्रोटेस्ट तो बाद नहीं हुई। तुहाडा जो वॉइस है क्रैक हो रहा है ते मैं अपने सहयोगी का मुड़ तो रुक करांगी, हालांकि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। तो चंडीगढ़ के किसान भवन चा जो मीटिंग है लगातार जारी है, मंथन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि अगली जो स्ट्रैटेजी है इन्हों किसान आगुआ की कुछ रहेगी। हालांकि कितना कितने रोस इन्हों वालों जाहिर किया जा रहा है, झोने की खरीद से लिफ्टिंग न होने करके दिक्कत जो है किसानों वड्डे पद्धर से आ रही है। मंडिया चो लिफ्टिंग न होने करके जो नवा झोना है मंडिया तक नहीं पहुँच रहा। अगे वधांगे रुक रहे अगली खबर दा। अमृतसर च आम आदमी पार्टी आगू ते SHO विचाले तिखी बहसबाजी हुई है। आम आदमी पार्टी आगू तलबीर गिल ने थाने दे बाहर धरना लगा दिता। दरअसल पुलिस ने पटाखे वेचण वाले लोगों को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी आगू ने
गिरफ्तारी ते विरोध जाहिर किया। वड्डे मगरमच्छा नूं गिरफ्तार करन दी गल उन्हां दे वल्लों कही गई। SHO दे गनमैन ते रिश्वत मंगण दे इल्जाम जो ने आम आदमी पार्टी दे आगू दे वल्लों लगाए गए। आम आदमी पार्टी दे आगू दा कहना सी कि गरीब फड़ी वाले तो 10,000 दी रिश्वत मंगी गई, गरीब लोकां नूं तंग कर रही है। पुलिस देर रात DCP लॉ एंड ऑर्डर ने पहुंच के जो मामला पूरा सी वो शांत करवाया। गिरफ्तार किए शख्स नूं छड्डन तो बाद पूरा मामला शांत। एक फेस्टिवल है यार दिवाली का, सारे बंदे पटाके बेचते हैं, सारे बंदे हलवाइया ने मंजिया बाहर डे जाते दुकाना से अपन नहीं डर सकते यार। दो दिन का सीजन है तो कहते चक्कर नहीं पड़ना देख रही बंदे पश्चिमी बंगाल दे कूच बिहार च दिल दहला देने वाला हादसा वापरिया, जिथे कि तेज रफ्तार बाइक दी कार दे नाल जोरदार जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर हुंदिया ही बाइक च ब्लास्ट हो गया ते जोरदार धमाके दे नाल बुरी तरीके दे नाल जो बाइक सी सड़ गई। हादसे च 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क पार कर रही कार दे नाल दरअसल आ टक्कर हुई। मौके की तस्वीरां सामने आई ने, किस तरीके दे नाल जोरदार भयानक टक्कर हुई है। टक्कर हुंदिया ही बाइक च ब्लास्ट होया, अग लग गई ते अग झुलसन कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।